दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लेखपाल का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है इसका स्टेटस आप कैसे चेक कर पाएंगे और इसका जो भी आपका फाइनल प्रिंट आउट होता है उसे आप कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है वीडियो के नीचे। तो यहाँ से मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। 2-3 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, पूरा आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पर प्रिंट कैसे निकल पाएंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से पूरा आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप सब लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि मैं यहाँ पर घेरे में कर दे रहा हूँ, जिससे आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप गाइड देख सकते हैं, प्रिंट डिटेल्ड अप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल UP, कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस आएगा, आपका यहाँ पर डिटेल खुलकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको रजिस्टर मोबाइल या रजिस्टर ईमेल आईडी दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करेंगे नीचे यहाँ पर फिलअप करेंगे, लाइक यहाँ पर अपना मैं मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड, यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद अगर आप पूरा प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक हियर टू प्रिंट डिटेल्ड अप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप केवल रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल फॉर्म में यहाँ पर पूरा क्लिक करके उसको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, तो उस पर आप सिंपली आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्ड फॉर्म यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्टेप आपके ग्रीन है, यानी कि आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन को प्रिंटर का एक आइकन जो देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लाइक यहाँ पर मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, स्टेटस भी यहाँ पर नीचे बताया गया। चलिए यहाँ पर मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसे प्रिंट करके आपको यहाँ पर लाइव दिखा देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रीव्यू यहाँ पर आपको खोलकर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा आपका यहाँ पर 3-4 पेज का जो भी है आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा खुलकर ओपन होकर आ गया है। इस पर जो PDF का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से आप बहुत ही आसानी से सेव करके इसे प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी और दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं। तो बस मिलते हैं ऐसी किसी खास वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।